सोमवार की शाम जब विंध्याचल एक्सप्रेस गंज बासुदा आकर रुकी तब अचानक ट्रेन में अफरा तफरी मच गई। यात्रियों ने देखा कि एक लड़की ने लड़के के ऊपर विवाद के चलते तेजाब फेंक दिया, जिससे युवक का चेहरा झुलस गया और पूरी बोगी में धुआं धुआं हो गया। कई यात्री घबराकर ट्रेन से नीचे उतर गए। एसिड अटैक से घायल युवक को आनन फानन में शासकीय राजीव गांधी चिकित्सालय में उपचार के लिए भर्ती कराया। वहीं घटना से मची अफरा तफरी में यात्री भी चोटिल हुए हैं। हमने कई बार सुना है कि मनचले या आपराधिक किस्म के युवकों द्वारा महिलाओं या बच्चियों पर एसिड अटैक की घटनाएं की जाती है, लेकिन गंज बासुदा रेलवे स्टेशन की घटना इसके विपरीत प्रतीत होती है, जहां सोमवार शाम 7 बजे विंध्याचल एक्सप्रेस गंज बासुदा स्टेशन के आउटर पर 20 मिनट तक खड़ी रही। विंध्याचल एक्सप्रेस में अफरा तफरी और चिल्लाने की आवाज जोर जोर से आ रही थी। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। 10/1/2022 को ट्रेन भोपाल विंध्याचल चलती है, जिसके D4 में एक यात्री के पास सिर पे तेजाब डाल दिया लड़की ने, आउटर सिंगल के बाहर पुल के पास। कौन है लड़का? लड़के का नाम है सचिन साहू, बाप का नाम फूल सिंह, उम्र 30 साल, कर्मा देवी त्राहा 5वां रोड गंजवासी था। लड़की के बारे में कुछ जानकारी? लड़की के बारे में लड़के से पूछताछ की गई तो लड़का बताने को तैयार नहीं है अभी वर्तमान में। अभी फिलहाल कहाँ पे है लड़का? सरकारी हॉस्पिटल गंजवासदा में है। और एक यात्री के लगी है जिसने आग देख के कूदने की कोशिश की। यात्री का क्या नाम है? यात्री का नाम है प्रेमाबाई, वाइफ ऑफ विजय, उम्र 20 साल, जाति बंसल, निवासी दमोह की है, हरुआ सड़क। सर उस युवती के बारे में क्या आवाज़ है? अभी पुलिस की गिरफ्त में है, कहाँ है? नहीं, लड़की का तो कोई पता ही नहीं सवाल नहीं, लड़का नहीं बता रहा कौन लड़की। और अभी पुलिस की कोई नहीं, पुलिस अभी लड़के जब बताएगा उसके बाद कोई अपराध काम होता है या कराना चाहता है या नहीं कराना चाहता उसके ऊपर डिपेंड है। घटना कहाँ की सर? एक आउटर पुल है ना अपना, बेतौली फाटक के आगे जो पुल बना है उसके पास की है। आपको कब सूचना मिली सर, मौके पर कब पहुँचे? हम मौके पर तुरंत पहुँच गए थे, जैसी गाड़ी वहाँ चैन पर हुई पहले सुना कि आग लग गई तो आग तो बाहर जल रही थी, लेकिन जब यहाँ आई तो देखा उस बोगी में आदमी मिला जिसको उतारा तो उसने अपना नाम पता बताया। तो लड़के को कितनी चोट पहुंची? सिर में केवल चेहरे पे चोट है, ऐसा लगता है प्रेम का मारा हुआ लड़का है। ठीक। मेरे पास अभी तक 4 इंजर्ड आए हैं, जिनमें से एक 30 वर्षीय पुरुष है जिसको चेहरे पे और हाथों पे जला हुआ है, साथ ही साथ उसके सर के बाल भी जले हुए हैं, तो उसको पहले अभी हॉस्पिटलाइज किया है। बाकी 2 महिलाएं आई हैं जिनको हल्की फुल्की चोट है, एक बच्ची भी आई है जिसको हल्की फुल्की चोट है। GRP पुलिस के द्वारा इनको लेके आया गया है। कुछ पूरी जानकारी मेरे को भी नहीं, लेकिन जो बर्न हुआ है तो बताया गया है कि किसी अननोन केमिकल की वजह से लड़के को चेहरे पे और हाथों पे बर्न हुआ है, किसी ने जलाया है, तो उसके लिए CMLC की गई है। और उसके बालों के लिए किस केमिकल का प्रयोग किया गया है बर्न के लिए, तो उसके लिए जाँच के लिए भेजा गया है। देखिए, उसके बालों में से और कपड़ों में से ऐसे किसी विशेष केमिकल की स्मेल नहीं आ पा रही है, इसलिए उसके बालों को जब्त किया गया है। हालांकि किसी केमिकल की वजह से ही इसकी बर्न हुई है, चेहरे पे और हाथों पे जो जला हुआ किसी केमिकल की वजह से ही है। क्या लगता है सर, ये जो है प्रथम दृष्टया में तेजाब हो सकता है या कोई और दूसरा केमिकल हो सकता है? नहीं, देखिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है इसके लिए, इसलिए अपने उसके बालों के लिए जब्त करके अपने जांच के लिए भेजा है, क्योंकि ना तो मिट्टी के तेल की स्मेल आ रही है, ना ही किसी पेट्रोल की स्मेल आ रही है, जो अभी नॉर्मल चीज़ें जो होती हैं ऐसी स्मेल नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता पाऊँगा इस चीज़ के लिए। लेकिन तेजाब से जलने का एक अलग खाल के ऊपर असर आता है क्या, इस तरह का आपको लग रहा है? नहीं, सुपरफिशियल बर्न है, इतनी डीप बर्न नहीं है कि डायरेक्ट कांटेक्ट में सर के बाल भी जले हुए हैं, तो ये एक जांच का विषय है कि जो भी वहाँ पे जो एविडेंस हैं वो सब चीज़ें क्लियर बता पाएंगे आपके लिए। बाकी अपन ने MLC करके उसके लिए जांच के लिए अपन ने उसके बालों को जब्त किया है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।